गुरुदेव दरबार की कृपा से सब ठीक है, घर पे भी सब बढ़िया है। पापा को थोड़े मोड़े कान के प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी संकल्प प्रार्थना से जा रहे हैं। तंत्र दीक्षा लेवल 1 उन्होंने भी ले लिया है और सब लोग दीक्षित हो चुके हैं। यही तो मस्ती है। और बहुत आनंद आता है गुरुदेव, साथ में संकल्प करते हैं, साथ में सब जाप करते हैं। जब परिवार साथ में होता है, एक जैसा प्रक्रिया अपनाता है, तो फिर क्या आनंद ही आनंद है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त गुरुदेव, रहिए। 16 नवंबर को बर्थडे था, हाँ तो बेटा, टोकन लिए थे आपसे मिलने के लिए। हम सोचे दरबार में ही मिलेंगे, यही बर्थडे मनेगा, लेकिन उस दिन मिल नहीं बधाई हो पाए। आपको, खूब बधाई हो, खूब थैंक यू, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, थैंक यू खूब गुरुदेव। खुश रहो। गुरुदेव दरबार की कृपा से सब ठीक है, घर पे भी सब बढ़िया है। पापा को थोड़े मोड़े कान के प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी संकल्प प्रार्थना से जा रहे हैं। तंत्र दीक्षा लेवल 1 उन्होंने भी ले लिया है और सब लोग दीक्षित हो चुके हैं। यही तो मस्ती है। और बहुत आनंद आता है गुरुदेव, साथ में संकल्प करते हैं, साथ में सब जाप करते हैं। जब परिवार साथ में होता है, एक जैसा प्रक्रिया अपनाता है, तो फिर क्या आनंद ही आनंद हाँ गुरुदेव, है ना। बताओ, कोई गुरुदेव कष्ट हो एक बताओ नहीं, बेटा। गुरुदेव कोई कष्ट नहीं है, बस एक चीज़ के बारे में पूछना था हाँ कि वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर स्टार्टिंग में ही। तो पिछले बार क्या हुआ था, 3 महीने पहले वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। अब समझ नहीं आया क्यों, मुझे कहाँ के लगा लिए, कहाँ जाने के लिए। पिछले बार किए थे यूके के लिए, तो रिजेक्ट हो गया, तो मुझे लगा कि शायद बाबा नहीं चाहते होंगे कि वहाँ जाएं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑप्शन कहीं और का ही था। तो इस बार जो अभी लगा रहे हैं वो कनाडा का ही लगा रहे हैं, कनाडा का ही लगा। अब बोलने जा रहे थे गुरुदेव, अच्छा है, तो इस बार लगाने जा रहे थे वहीं का ही, हाँ बेटा, अभी जब दिसंबर में लगाएंगे। कोई तो बात आपसे आशीर्वाद है कि गुरुदेव इस बार रिजेक्ट ना हो, बहुत मुश्किल है, इस बार हो जाए कोई तब। रोक ही नहीं पाएगा। आंखें बंद करो और इसके नेत्रों में, वाणी में और मुखमंडल में, चेहरे पर दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए। किसी से ही मिले, अपने व्यापार के सिलसिले में, नौकरी सिलसिले में, बाहर विदेश जाने के सिलसिले में, वापस आने के सिलसिले में, देश किसी भी प्रकार से किसी से ही मिले। इनको देखते ही, इनको सुन के, इनकी बात से, इनकी आँखों में देख के, चेहरा देख के, चित्र देख के, कल्पना करके, पूरी तरह से इनके प्रति समाज सकारात्मक हो जाए, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाए, और इन्हें हर प्रकार से सहयोग, बैलेंस, बाहर शुद्ध। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींच लो, 5 बार। धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, बढ़िया जगह। यूके में आपका फ्यूचर अच्छा नहीं था, ठीक, गुरुदेव मुझे यहाँ भी बहुत लगा, अच्छा है। क्योंकि ये हमारा मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, और कुछ कारण के वजह से पापा को सोचे कि वहाँ थोड़ा बढ़िया रहेगा, तो हमने भी तुरंत डिसीजन चेंज कर दिया। लेकिन वन डे तो बहुत बाद में किया था, 3-4 महीने बाद, और उसके बाद ही रिजेक्शन हो गया। पापा बोले कि अचानक से कैसे हो गया, तो हमने सोचा कि शायद वहाँ गंदगी होगी कुछ। ठीक है, यहाँ बेस्ट है, दी बेस्ट है। और गुरुदेव एक आँखों में थोड़ा मेरा इशू है, चश्मा थोड़ा ज़्यादा पावर का है, अभी तो लगाया नहीं है मैंने। ये तो दूसरे, हाँ गुरुदेव आँखों में थोड़ा इशू है, ज़्यादा पावर का चश्मा है। आंखें बंद, ओ मां, औषधि आँखों में, औषधि औषधि डालती है, लेपन के लिए अंदर औषधि डालती है, और ऊर्जा संतुलित कर दीजिए, और जो आँखों का संतुलन किया जाए, मस्तिष्क और शरीर के साथ। प्रहार 5 बार बोलियो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख बंद रखना, दोनों हथेली रगड़ के आंखों में रखो, 5 बार करो ऐसे। अब पीछे घूमो, देखो सबको, नीचे बैठे लोग देखो,
गुरुदेव अभी अभी सही दिख रहा है, पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो बेटा, और आपको महाहवन करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ऊर्जा है। अच्छा, ऑलरेडी हम कम कर रहे हैं, ज्यादा है, जाप सही चल रहा है गुरुदेव। एकदम मस्त गुरुदेव। अगले महीने सोच रहे थे आने के लिए तंत्र दीक्षा के लिए। वो ठीक है, साथ में ही सब आएंगे, मम्मी दीदी सब आएंगे फर्स्ट लेवल के लिए। पापा तो ले चुके, वो तो और हम लोग को रोक रहे हैं कि साथ में चलो, काशी में जाएंगे साथ में, मैं दूसरा लूंगा, तुम लोग पहला लेना। हम लोग सोच रहे हैं हम जल्दी जाएं। ठीक बात, बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू गुरुदेव। चार लोग हैं। हाँ गुरुदेव, चार लोग, आप, पापा, मैं, पापा, मम्मी और दीदी। ठीक, दीदी के लिए भी कुछ पूछना था, वो बोल रही थी पूछने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि पूछूं, क्योंकि आप गुस्सा हो जाते ना फिर दूसरे के बारे में पूछने से। नहीं नहीं, कोई डीएनए में कोई कष्ट में तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पूछ आए हो तो, अगर नहीं पूछूंगा तो घर वो जाने से वो फिर वो दो में तो एक नाराज होगा। फोन पे ही उसने फोन काट दिया, बात ही नहीं कर रही है अब। गुरुदेव उसका एग्जाम आने वाला है अभी, एक दे दिया है उसने, और उसका मेंस वगैरह का फिर होगा, तो उसके लिए वो बोल रही थी कि थोड़ा देख लेने। उसकी बुद्धि अच्छी है, उसको बोलना कि गुरु जी ने कहा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसका एकाग्र शक्ति अच्छी है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है पूरे होश में रहती है, सब कुछ याद रहता है उसे। हाँ गुरुदेव, पहले बहुत तबीयत उसका खराब लगता था, लेकिन वनडे के बाद से तो एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया करेगी, मेहनत करोगे तो। ठीक है गुरुदेव, ये लाइव नहीं आ रहा है? नहीं, वो देखती ये वाला, तो मैं एक बार बोल देता हूँ ना उनको कि ये वाला वीडियो अगर वो शेयर कर पाए तो। वो उसे बोला कल देखना। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव अगले महीने फिर हम आएंगे दीक्षा के लिए। वेलकम बेटा, स्वागत, खुश रहिए।